Assalamu alaikum, I am Shazia Aslam and you are watching my channel Easy English Learning Tricks. In my last video, I taught you interrogative and double interrogative sentences of past indefinite tense. But today I am going to teach you past continuous tense, yani ki fail mazi jari. Zamane mazi mein koi kaam jari raho. Urdu mein jiski pehchan kuch yun hai. उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा था रही थी रहे थे जैसे अल्फाज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे शोर मचा रहे थे, वो तेज दौड़ रहा था, वो अपने बालों में कंघी कर रही थी. इंग्लिश में इसका बनाने का तरीका कुछ यूं होगा. स्ट्रक्चर जिसका हम लिखेंगे अब इंग्लिश में यूं बनाएंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. इसमें फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगा दी जाए. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी जाए तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी. लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जुमला कंप्लीट हो जाएगा. अब हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से इस्तेमाल होंगे, वाज और वर. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से मिलता जुलता है और उसमें इज आर एम इस्तेमाल किए थे. उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता था एंड में, और अब वाज वर्ब था थी के लिए लगाया है हेल्पिंग वर्ब. और सब्जेक्ट इसमें आएंगे आई, ही, शी, इट और सिंगल नाउन. इनके साथ हम लगाएंगे वाज और प्लस आईएनजी, जबकि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, यानी एक से ज़्यादा नाउन हो, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, इनके साथ वर लगाएंगे प्लस आईएनजी. सारे जितने भी कंटिन्यूस टेंस आएंगे उन सब में ही आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी कि फोर्थ फॉर्म. फॉर एग्जांपल, बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे. एंडिंग देखें, रहे थे, यानी कि माजी में हैपनिंग हुई है, कंटिन्यूस है फॉर्म. बच्चे शोर मचा रहे थे, हमने पहचान लिया ये पास्ट कंटिन्यूस है. इसमें सब्जेक्ट बच्चे हैं, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे हम सब्जेक्ट की, द चिल्ड्रन.
फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, रहे थे वर, ज़्यादा हैं इसलिए वर लगाएंगे, द चिल्ड्रन वर। अब काम क्या कर रहे थे, मचा रहे, शोर मचा रहे थे, तो मेकिंग अ नाइस। अब एम ए के ई मेक होता है, लेकिन जब हम आई एन जी उसके साथ अटैच करते हैं तो एंड वाला ई ख़त्म हो जाता है, तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई। फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दी हमने, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नाइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो तेज दौड़ रहा था, इसमें आप सब्जेक्ट देखें, वो तेज दौड़ रहा था, लड़के की तरफ इशारा किया, ये वो बॉय के लिए आया है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब ही के साथ वाज आएगा, ही वाज। और पी फॉर्म जो है ना, दो काम इसका है दौड़ना, तो पी उसके लिए रन, और इसकी फोर्थ फॉर्म बना ली हमने रनिंग, ही वाज रनिंग, तेज दौड़ा था, ही वाज रनिंग फास्ट। अगली एग्जांपल देखें, वो अपने बालों में कंघी कर रही थी, अब वो लड़की के लिए आया है, अब हम लगाएंगे शी, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, शी के साथ वाज आता है, शी वाज। और इसका काम क्या था, कंघी करना इसमें, इसलिए काम वर्ब है उसकी इंग्लिश लगाएंगे कंघी करने की हम, शी वाज कॉम्बिंग, आई एन जी लगा दिया फॉर्म के साथ, कॉम के साथ कॉम्बिंग बन गया, शी वाज कॉम्बिंग अपने बालों में, अपने जो है ना वो लड़की के लिए आया है वो को देखते हुए, शी वाज कॉम्बिंग हर हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सुबह बारिश हो रही थी, अब बारिश हो रही थी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बारिश का बताने के लिए इट, इट अब हेल्पिंग वर्ब इट के साथ वाज आएगा, इट वाज रेनिंग, बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन के साथ आई एन जी लगा देंगे रेनिंग, इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग। सना रो रही थी, सना रो रही थी, अब इसमें सिंगल सब्जेक्ट आ गया सना, सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी वाज ही लगाएंगे, सना वाज वीपिंग, वी के साथ आई एन जी लगाया, ये वीपिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमने आई एन जी लगा के फोर्थ फॉर्म बना ली, सना वाज वीपिंग। तुम कहानी सुना रहे थे, अब सब्जेक्ट है तुम, हम यूज़ करेंगे यू, यू के साथ आता है वर, यू वर सुना रहे, तुम कहानी सुना रहे थे, तो यू वर टेलिंग, कहानी सुनाने की इंग्लिश होती है टेल, यू वर टेलिंग अ स्टोरी। हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग साउंडली, घोड़े खेत में चल रहे थे, अब सब्जेक्ट प्लूरल है, द हॉर्सेस वर, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे वर, चल रहे की इंग्लिश लगाएंगे इसमें, ग्रेज से बनाएंगे हम ग्रेजिंग,
ई ख़त्म कर देंगे एंड वाला। द हॉर्सेज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका भाई मिल में काम कर रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट आया है इसका भाई, हिज ब्रदर। सिंगुलर है वाज, वर्किंग इन अ मिल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे। दे वर सेलिंग दियर कार। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल टीच यू नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।